नमस्कार दोस्तों, ध्यान एक अनुभूति है और ध्यान के सैकड़ों प्रकार हैं, सैकड़ों मार्ग हैं और इन सैकड़ों मार्ग से लोग ध्यान को भी उपलब्ध होते हैं और इन तरीकों को अपनाते हुए वो अनंत में की उस अवस्था में भी पहुँचे हैं जहाँ उनका मन ठहर जाता है, जिसे मन का ठहरना भी कहते हैं। जबकि साधारण इंसान कहेगा मन नहीं ठहर सकता, लेकिन संत जनों ने ऐसे तरीके निकाले हैं जहाँ उन्होंने ध्यान की उस अवस्था को पाया है जहाँ उनका मन ठहर गया है। एक छोटी सी प्रक्रिया है जो मैं आपको बताऊंगी, ये संतों द्वारा सिद्ध की हुई सी तरीका है। इस तरीके से देखिए, अगर आप लोगों को इस निश्चल शांत मन की थोड़ी सी भी छाया मिल गई, थोड़ी सी भी छाया मिलनी शुरू हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में नया रूपांतरण होने लगा है। आपके भीतर एक नए आदमी का जन्म होने लगा है। पुराना आदमी जैसे पिघलने लगा है। एक नई चेतना, नया केंद्र देखने को, जिंदगी देखने का एक नया ढंग, जिंदगी जीने की नई प्रक्रिया आपके भीतर पैदा होने लगेगी। जैसे अंधे को अचानक से आंखें मिल जाएं, या बहरे को कान मिल जाएं, जैसे कोई अंदर मरा हुआ बुद्ध जीवित हो जाए, ठीक ऐसे ही ध्यान की वो क्रांतिकारी घटना घटित हो जाए। बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं, क्या है ये संतों ने बताया है और इसे किस तरीके से करना है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, प्लीज सुनिएगा। देखिए, आपने कभी चित्र में देखा होगा जो बच्चे हैं, जो बच्चा है अपने माँ के गर्भ में, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, वो जिस हालत में होता है, गर्भ की में उसकी उस अवस्था में मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या यूं कहेंगे कि योग की भी जो गहरी खोज कहती है वो यही कहती है कि गर्भ में माँ के पेट में जो बच्चा है जिस अवस्था में है, उस पोस्चर, उस आसन में जो होता है, उस समय बच्चे का जो मन है वो सबसे न्यूनतम होता है, यानी ना के बराबर, ये यूं कहते हैं, कह सकते हैं कि होता ही नहीं है। क्योंकि बच्चे की जो चेतना है, देखिए उस टाइम तक बच्चे का विकास नहीं हुआ होता, तो बच्चे की जो चेतना है ना मस्तिष्क में होती है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ, ना हृदय में होती है, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि माँ के पेट में बच्चे का हृदय नहीं होता है। मैं उस धड़कन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हृदय की बात कर रही हूँ। यहाँ संत जन जो बता रहे हैं वो हृदय की बात बता रहे हैं, फीलिंग्स की बात। तो उनका हृदय नहीं धड़कता, 9 महीने बिना हृदय धड़के हुए, यानी जब तक हृदय नहीं धड़कता तो बच्चा जो है 9 महीने बिना हृदय के होता है। जीवन बहुत गहरा है और ये गहरी बातें, देखिए चेतना जब भाव में होती है, भावना यानी फीलिंग्स जो हैं वो होती हैं, तो ये हृदय केंद्र में चेतना इस टाइम होगी। जब विचार बहुत तंग कर रहे हों तो उस टाइम पे चेतना जो सी है वो मस्तिष्क में होती है, क्योंकि मस्तिष्क उस टाइम सक्रिय हो जाता है चेतना के पहुंचते ही, दिमाग उस टाइम उनका केंद्र बन जाता है। लेकिन बच्चा जो है उसका हृदय और उसका दिमाग बहुत बाद में विकसित होते हैं, इसलिए चेतना की जो शुरुआत है वो नाभि केंद्र है और बच्चा नाभि केंद्र से जुड़ा होता है। जीवन का पहला अनुभव जो बच्चे का है वो नाभि है। और जिन लोगों ने मन के पार जाना है, मन को ठहराना है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा तक जाने का तरीका है, तो बीच में सबसे बड़ी अड़चन मन आ जाता है। तो मन से जिसे पार जाना है, उन्हें मस्तिष्क और हृदय दोनों से उतरकर नाभि में जाना होगा।
नाभि में अपने आप को वापस लेकर जाना होगा। और अगर कोई अपनी चेतना को नाभि के पास केंद्रित कर सकता है तो उसी टाइम उसी क्षण उसका मन जो है वो ठहर जाएगा। तो यहाँ वो ध्यान प्रक्रिया करने की तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिसे योगी जन संत जनों ने निश्चल ध्यान का नाम दिया है। और इस ध्यान प्रक्रिया में आप मन को ठहरा सकते हैं और परमात्मा की उस अवस्था को पा सकते हैं जिसे पाने के लिए कई बार घोर तपस्या भी पीछे रह जाती है। संत जनों ने इसे सरल करके बताया है। चलिए आपको मैं इसकी प्रक्रिया बताती हूँ क्या है। आपने देखा होगा जैसे सूफी संत सूफी फकीरों को देखा होगा प्रार्थना करते समय, या यूँ कहीं मुसलमानों को आपने देखा होगा नमाज पढ़ते हैं जैसे घुटने मोड़कर बैठते हैं। वैसे ही सबसे पहले आप घुटने मोड़कर बैठ जाएं, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चा जो है वो घुटने उसके मुड़े हुए हैं। अब आपने घुटने मोड़कर बैठना है, आँखों को धीरे से बंद कर लें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और श्वास को बिल्कुल निश्चल शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स, ताकि श्वास जो है सांस जो है वो अपनी सहज अवस्था में आहिस्ता आहिस्ता चलती हो। क्योंकि देखिए आपने सांस को दबाने की कोशिश नहीं करनी है कि वो स्लो हो, क्योंकि जितना आप दबाएंगे ये उतनी तेज हो जाएगी। आपने उसको तेज भी नहीं करना है कि वो स्लो हो जाए, कुछ आपने इसमें मूवमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को छोड़ देना है अपनी सांस को। और इसके बाद आपने अपने आप को पूरा ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद कर चेतना को धीरे धीरे नाभि की तरफ लेकर जाना है। सिर से उतरें, हृदय से उतरें और नाभि पर श्वास का कंपन शुरू हो जाएगा। आपका पेट हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा है, आंख बंद है, बस आप अपने ध्यान को अपने नाभि पर लगाए रखें और सांस को चलने दें, शिथिल छोड़ दें। अब आप देखेंगे धीरे धीरे थोड़ी ही देर में आपका शरीर जो है वो आगे की तरफ झुकना शुरू हो गया है और जो सिर है वो जमीन की तरफ गिरने लगा है। आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल अपने आप को ढीला बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है। और ऐसे जब आपको छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो सिर है वो ज़मीन पर जाकर लग जाएगा। अब जैसे ही आपका सिर ज़मीन पर लगता है आप इस टाइम पे उस अवस्था में पहुंच गए जहां जैसी अवस्था गर्भ में एक बच्चे की पेट में एक बच्चे की अपनी माँ के पेट में होती है, उस अवस्था में पहुंच गए, ये वो आसन बन गया। और ध्यान जो है आपका नाभि पे रहेगा, क्योंकि बच्चे का ध्यान जो उस टाइम चेतना होती है, बच्चा क्या कहेंगे वो ध्यान लगा रहा है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसका जो उसकी जो चेतना है वो पूरी नाभि में है। अब ऐसा करते हुए आपके क्या होगा कि बार बार ध्यान उछटेगा, कहीं किसी की आवाज़ आ गई, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा, ऐसा कई बार हो सकता है, होगा, क्योंकि अभी एक्सपर्ट नहीं है आप लोग, बाहर नहीं सब तरह से शांत कर दिया तो भीतर से कोई विचार उठ जाएगा। लेकिन बाहर के शोरगुल को तो चलो एक बार के लिए बंद भी कर दें, भीतर का शोरगुल होने दें, जो चल रहा है चलता रहे। आपने किसी तरह का उनके साथ विचारों के साथ खेल खिलवाड़ नहीं करना है, उन्हें कोई कलह क्लेश नहीं करना है, उन्हें विचारों को हटाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। बस जैसे ही आपको ये ख्याल आ रहा है और आपका ये ध्यान हट गया कि मैं नाभि पे ध्यान करने बैठा हूँ, लेकिन दो मिनट बाद चार मिनट बाद आपको एकदम ध्यान आएगा, अरे मैं तो नाभि पे ध्यान कर रहा हूँ, आपने वापस अपने ध्यान को नाभि पे शुरू कर देना है। ध्यान टूटेगा कई बार, कोई बात नहीं, जैसे ही वापस ख्याल आए कि मैंने नाभि पे ध्यान करना है आप अपनी चेतना को वापस नाभि पे ले जाएं। और ये प्रक्रिया आप 20 से 40 मिनट तक जरूर करें, शुरुआत 10 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे इसे बढ़ाएं।
20 मिनट 40 मिनट लंबा तो जहाँ तक ले जा सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है करें। अब इसके लिए इसलिए ये संभावना रहती है कि 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन में आप देखेंगे आपके मन में एक गहरी निश्चलता छाती जा रही है, भीतर अनुभव होने लगेगा कि आपका मन जो है वो सरल हो रहा है, आप ठीक उस बच्चे की तरह से सरलता में प्रवेश कर रहे हैं, मन को ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप नाभि के पास रहेंगे आपका मन ठहरा रहेगा, आप उस आसन में पहुंच चुके हैं जहां आपको परमात्मा की अनुभूति होने के। और जो व्यक्ति जितना नाभि के पास ठहरता है वो धीरे धीरे उतना ही वर्तमान में आ जाता है, ना पास्ट उसको दुखी करेगा ना फ्यूचर के लिए उसके लिए कोई दिमाग में परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि जितना वो नाभि के नज़दीक रहेगा उतना ही वो अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। अब इसका फायदा क्या है, देखिए जैसे भौतिक शरीर में हम माँ से जुड़े होते हैं, भौतिक शरीर में गर्भ में हम अपनी माँ से नाभि के थ्रू जुड़ते हैं, उसी तरह से इस बड़े अस्तित्व के इस प्रकृति के अस्तित्व से केंद्र गर्भ से अपने आप को जोड़ने के लिए अपनी ही नाभि के निकट जाना होगा, अपनी चेतना को यहाँ लेकर आना होगा नाभि में। जब आप अपने आप को नाभि में ले आते हैं तो उस टाइम आप उस अज्ञात परमेश्वर के अस्तित्व से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अज्ञात से जुड़ने का जो मेन द्वार है वो आपकी अपनी नाभि ही है। जीसस ने बहुत अद्भुत वचन दिया है, तुम मेरे प्रभु के राज्य में तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम छोटे बच्चे की भांति होगे। बहुत गहरा अर्थ है इसका। मोटी मोटी नॉलेज में तो देखा जाए कि हाँ तुम बच्चे जैसे सरल हो जाओ तो तुम परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाओगे, लेकिन जो आंतरिक अवस्था बताई गई है, जो बच्चे की जो आंतरिक अवस्था उस समय होती है माँ के गर्भ में, वैसी आंतरिक अवस्था जब आप अपने अंदर ले आएंगे तो आपका प्रभु के राज्य में प्रवेश हो जाएगा। उस समय में क्या होता है, बच्चे का हृदय नहीं है, बच्चे का मस्तिष्क नहीं है, वो पूरी तरह से माँ पर आश्रित है, बिल्कुल निश्चल है, कोई छल कपट नहीं है, उसके लिए माँ ही सब कुछ है। वो है या नहीं है इसका भी उसको ज्ञान नहीं है, सिर्फ माँ है, सिर्फ माँ है। ऐसे ही जब आप अपनी इस आसन में बैठते हैं तो आप अपने आप में ऑटोमेटिकली उस अस्तित्व से, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं जहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, आप हैं ही नहीं। ये वो आंतरिक अवस्था प्राप्त हो जाएगी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगियों ने कठिन परिश्रम करके प्राप्त की है। उम्मीद है ये मेरी बताई हुई छोटी सी, मेरी क्या बताई हुई, इसी ये उम्मीद कहेंगे कि इसे संत जनों की बताई हुई ये विधि जो मैंने आप तक पहुंचाई है आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।